इस देश का नाम भारत था, है और रहेगा। भारत एक, भारत के जो चक्रवर्ती सम्राट रहे हैं, ठीक है ना, बचपन में शेर के दांत गिना करते थे। राजा दुष्यंत के पुत्र का नाम था भारत, इन्हें पता ही नहीं, ठीक है ना। अब बताओ, हम सच्चाई खोलने पे आ जाएं तो राहुल गांधी मुंह छुपाते फिरेंगे। एंटीनो माइनो का नाम क्यों चेंज करके सोनिया गांधी करा गया, इसके ऊपर कोई सवाल कर रहा नहीं कि भारत का भला नहीं चाहते। जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह नारे लगाते हैं, वो भारत का भला कभी नहीं चाह सकते। ऐसे गद्दार इंडिया चाहते हैं। और हम मोदी जी ने भी पिछली बार एक चुनाव में कहा था वोट फॉर इंडिया, अब यह बात मोदी जी को अटक रही है, इस वजह से चेंज करवा रहे हैं भारत का नाम, इसलिए चेंज करवा रहे हैं। मोदी जी के पेट में दर्द हो रहा है। देख रहे हैं टुडे न्यूज, मैं हूं आपके साथ गोविंद। जनता के बीच जनता की राय जानने के 24 के चुनाव नजदीक आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो है विपक्ष का गठबंधन मजबूत होता नजर आ रहा है, क्योंकि विपक्ष जो है अपनी तैयारियां पूरी कर चुका है। जनता से सीधा रुख करते जानते कि 24 में किसकी सरकार होने वाली। नमस्कार भाई, क्या नाम है आपका? सूरज। किसकी सरकार लाएंगे 24? विपक्ष की आएगी बिल्कुल भी। जब विपक्ष में कौन? विपक्ष में गठबंधन हुआ है, 28 पार्टियां एक साथ आई हैं। तो भाई 28 आए तो क्या हुआ? 28 पार्टी रहे हैं क्या? 28 पार्टियों का नाम लेकर तो भाई डरे हुए हैं मोदी जी। जब भी तो इंडिया नाम चेंज कर रहे हैं, डरे हुए हैं मोदी जी। अब मानिए चीज को, डरे हुए ना, यहाँ तक डरे हुए, पूरे डरे हुए, पूरे डरे हुए। अंग्रेजों का नाम था इसलिए बदल दिया, डरे हुए नहीं है। कौन कहता अंग्रेजों का नाम है? जो आज कह रहे हैं अंग्रेजों का नाम है, ये विदेश अपने बच्चों को भेजना बंद कर दो पढ़ने के लिए, बंद कर देंगे क्या? नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है इंग्लिश बहुत जरूरी है। ये मायने नहीं रखता इंडिया और भारत, ये मायने नहीं रखता है। हाँ, ये भारत से क्या दिक्कत हो गई? भारत से बिल्कुल दिक्कत नहीं है हमें, भारत से बिल्कुल दिक्कत नहीं है हमें, बिल्कुल। राहुल गांधी भी देखिए भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले थे, इंडिया जोड़ो यात्रा नहीं थी, फिर दिक्कत क्यों हो रही इतनी? भारत और इंडिया से हमें कोई दिक्कत नहीं है, भारत और इंडिया एक ही चीज है, ये चीज आपको मानना पड़ेगा। संविधान का पहला अनुच्छेद कहता है इंडिया डेट इज भारत, तो आपको ये मानना पड़ेगा, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, मानना पड़ेगा आपको। इंडिया का नाम भारत पड़ गया तो दिक्कत नहीं है ना? क्यों दिक्कत है? क्यों दिक्कत है? आप बताइए क्यों दिक्कत है? फिर विपक्ष क्यों कह रहा है कि इंडिया गठबंधन होती इंडिया नाम से जो है भारत बन चुका है? ये मायने नहीं रखता है। मोदी जी ने भी पिछली बार एक चुनाव में कहा था वोट फॉर इंडिया, अब यह बात मोदी जी को अटक रही है, इस वजह से चेंज करवा रहे हैं भारत का नाम, इसलिए चेंज करवा रहे हैं। मोदी जी के पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए चेंज करवा रहे हैं। हाँ, अब ये चीज मत भूलिए बिल्कुल। अभी नोटबंदी भी करते इंडिया में, इंडिया जो नोट है, भारत नाम रख दिया गया इंडिया का, क्या सही है ना? नहीं है। सही है? नहीं है, क्योंकि अभी जब तक गर्ल सेफ्टी नहीं होगी तब तक भारत भारत नहीं होगा। इंडिया क्या सेफ्टी है? यूपी नहीं, यूपी में है, यूपी में है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, मगर अरे तो यूपी में है, यूपी में राम राज्य, देखिए यूपी में है, यहाँ नहीं है, यहाँ है ही नहीं, यहाँ है ही नहीं गर्ल सेफ्टी। अभी मैं लड़की हूँ, किसी और लड़की से पूछ लो, मैं लड़की हूँ ना, एक किसी और लड़की से पूछ लो, ये तो लड़के हैं। अब यहाँ तो लड़के हैं ना सारे। मैं प्रूफ दूँ, यूपी में अभी की बात है, हाल फिलहाल की बात है, एक ट्रेन में पुलिस कर्मी को रेप करके मार दिया गया, यूपी में ट्रेन के अंदर, ये गर्ल सुरक्षित है। आतरस में क्या मामला था, बताया गया कि मार दी लड़की, है ना, ये कर दिया, ठीक है ना। आतरस में क्या हुआ था, फिर बाद में पता लगाया वो तो अनर्कलिंग हो गया, उसमें नक्सली नक्सली भाभी का भी हाथ आ रहा था, ठीक है ना। पिंकी पप्पू भी गए थे वहाँ बात करने के लिए, उनसे कुछ बोले, पर इनको सुनिए, अब सुनो, वहाँ आतरस में कोई बलात्कार नहीं हुआ था, वहाँ कोई मोब लिंचिंग नहीं हुई थी, सुनो, अनर्कलिंग हुई थी। ये तो कहेंगे क्योंकि धर्म का मैटर है, जाति का मैटर है, ये कहेंगे, धर्म का मैटर है, जाति का मैटर है, ये कहेंगे, इन्हें जरूरत है ये चीज का। कांग्रेस सरकार में, कांग्रेस सरकार में नहीं हुआ करता था क्या? सुनिए, कांग्रेस सरकार में नहीं हुआ करता था, इतना नहीं होता था, इतना नहीं होता था, नहीं होता था, इतना नहीं होता था। बीजेपी जातिवादी सरकार है, जातिवाद को बढ़ावा देती है। अब ये मत भूलिए, अब ये मत भूलिए आपको। अभी देखिए इंडिया भारत में जो जंग छेड़ रही थी,
कि भारत नाम जो है इंडिया का रखा गया है, इसमें भी कहीं ना कहीं साथ रखा नहीं गया भैया, नाम है भारत का, इतिहास है इंडिया का, कोई इतिहास नहीं है। वो साजिश नहीं, वो सच्चाई है। जिनसे सच्चाई सुनी नहीं जा रही, जो पेट दर्दी लोग हैं उनके पेट में दर्द हो रहा है इंडिया का नाम भारत करने से, लेकिन जो भारत में रहकर भारत का भला चाहते हैं वो भारत नाम को स्वीकार करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। जो भारत में रह के भारत का भला नहीं चाहते, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह नारे लगाते हैं, वो भारत का भला कभी नहीं चाह सकते। ऐसे गद्दार इंडिया चाहते हैं और हम भारत चाहते हैं। ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। इन्हें बताओ क्या इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं ये? अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ाते? इंग्लिश हिंदी की बात ही नहीं है। भारत का नाम इंग्लिश में इंडिया होता है, आपको भी पता होना चाहिए। इंडिया डेट इज भारत, संविधान का पहला अनुच्छेद ये कहता है। फिर विपक्ष क्यों कह रहा है? अगर कांग्रेस को इतनी दिक्कत है तो भारत जोड़ो यात्रा क्यों करी, इंडिया जोड़ो यात्रा क्यों नहीं करी? क्यों लेटर पे लिखा तो भारत सरकार, क्यों वो भारत के टुकड़े करने वाले के साथ खड़े हुए? तो भैया भारत तो शुरू से होता आ रहा है, ठीक है। अरविंद केजरीवाल क्या कहता भाषणों में कि भारत का बच्चा बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए, क्यों इंडिया नहीं बोलता? तो भारत सब स्वीकार करते हैं, भारत सब सत्य जानते हैं। मैं ये कहता हूँ जब सोनिया गांधी जी का नाम बदला जा सकता है तो भारत का नाम क्यों नहीं बदला जा सकता? अब बताओ, हम सच्चाई खोलने पे आ जाएं तो राहुल गांधी मुंह छुपाते फिरेंगे। एंटीनो माइनो का नाम क्यों चेंज करके सोनिया गांधी करा गया, इसके ऊपर कोई सवाल कर रहा नहीं कर रहा? इसीलिए जो भारत में रह के भारत का भला चाहते हैं वो भारत नाम को स्वीकार करते हैं। और अब जी20 के बाद भारत की जो छवि बनी है, विपक्ष के अंदर इतना पेट दर्द हो रहा है कि वो समझ ही नहीं पा रहा। जी20 में विश्व गुरु की बात छिड़ी है, लोग जो है सनातन को मारने, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है वो भी राम का दर्शन करना चाह रहे हैं। हाँ सच्चाई है, वो गए ना अक्षरधाम गए ना दर्शन करने। भैया वो नकली हिंदू नहीं है वो। अरे एक चीज बताओ, सावन के अंदर जो बंदा बीफ खा रहा है लालू प्रसाद जी के साथ, वो अपना शिव भक्त कहता है, वो शिव भक्त कैसा हो सकता है? वो नकली हिंदू नहीं है, वो असली हिंदू है। भारत में कोई नकली हिंदू घूम रहे हैं, एक्सेरेंटर हिंदू जो चुनाव के समय एक्टिव हो जाते हैं फिर दोबारा चले जाते हैं। सावन निकल गया पूरा, राहुल गांधी जी गौरीशंकर मंदिर नहीं आए, जब हम अधिकार होकर चले गए थे। तो ऐसे नकली हिंदुओं की जरूरत नहीं। भारत तो पहले से भी था ना नाम, अब क्यों जो है इतना बहस छिड़ रही कि इस देश का नाम भारत था, है और रहेगा। भारत एक भारत के जो चक्रवर्ती सम्राट रहे हैं, ठीक है ना, बचपन में शेर के दांत गिना करते थे, राजा दुष्यंत के पुत्र का नाम था भारत, इन्हें पता ही नहीं, ठीक है ना।